These sums are taught in this video for your better understanding. Note down the sums or arrange the books. If you liked the video, please like, share and subscribe to support us. Thank you students. Good morning students. आज हम इंडेक्स नंबर में से एक्सरसाइज 1.1 में सम नंबर 3 करेंगे, जो कि सम नंबर 3 को फिक्स बेस मेथड से भी करना है और चैन बेस मेथड से भी करना है। तो सम को हम पहले रीड करें। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेंड अबाउट द एनुअल एवरेज प्राइस ऑफ व्हीट, राइस एंड सुगर इन द होलसेल मार्केट ऑफ ए सिटी। फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर 4 3 आइटम्स बाय फिक्स बेस मेथड विथ बेस ईयर 2011, तो यहां पर बेस ईयर 2011 को लेना है, एंड बाय चैन बेस मेथड। तो हमें इस सम को फिक्स बेस मेथड मींस एफबीआई, चैन बेस मेथड यानी सीबीआई से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स याद रखना, आप लोगों को सम करने से पहले फॉर्मूला लिखना है। तो एफबीआई इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर इन 200। सेम चैन बेस मेथड में CBI इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन प्रीसीडिंग ईयर। स्टूडेंट्स प्रीवियस सम्स में सम नंबर 1 और 2 में आपने ईयर्स को वर्टिकल फॉर्म में देखा, यहां पर हॉरिजॉन्टली है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर प्राइस दिया हुआ है वीट का 80 करंट ईयर का, बेस ईयर का 18 ही लेना है इनटू 100, तो यहां पर मिलेगा 100। करंट ईयर का प्राइस है 18.50 डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस है 18 इनटू 100, 18.90 करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस 18 इनटू 100। करंट ईयर का प्राइस 2014 में 19 और बेस ईयर का प्राइस 18 इनटू 100। सेम वे 19.50 करंट ईयर, बेस ईयर 18 इनटू 100। स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट यू हैव टू सॉल्व द सम हॉरिजॉन्टली फॉर्म। राइस का भी इसी तरह से करेंगे, 30 करंट ईयर, बेस ईयर 2011 के प्राइस को लेना है, इसलिए बेस ईयर का प्राइस भी 30 रहेगा इनटू 100 इक्वल्स टू 100। यहां पर करंट ईयर का 36 प्राइस बनेगा, बेस ईयर का 30 इनटू 100, 38 करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस 30 इनटू 100। करंट ईयर का प्राइस 2014 के लिए 38, बेस ईयर का 30 इनटू 100। करंट ईयर का प्राइस 39 2015 में, बेस ईयर का प्राइस 30 इनटू 100। सुगर के लिए फाइंड करेंगे, यहां पर भी 30 है करंट ईयर का और बेस ईयर का 2011 को लेना है, इसलिए 30 इनटू 100 इक्वल्स टू 100। करंट ईयर का 31 डिवाइड बाय बेस ईयर का 30 इनटू 100। करंट ईयर का प्राइस 2013 के लिए 32, बेस ईयर का प्राइस 30 इनटू 100। करंट ईयर का प्राइस 2014 के लिए 34, बेस ईयर का 30 इनटू 100। 2015 के लिए 36 करंट ईयर का, बेस ईयर का 30 इनटू 100।
इक्वल्स टू। अब हम करेंगे कैलकुलेशंस। सो 18.50 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 18.50 into 100 divided by 18 equals to 105. 19 into 100 divided by 18 105.56. 19.50 multiplied by 100 divided by 18 amount will be 108.33. नेक्स्ट प्राइस का करें कैलकुलेशन। 36 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30 अमाउंट विल बी 120। 38 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30 अमाउंट विल बी 126.67। वैल्यू सेम है इसलिए यहां पर भी आंसर सेम आएगा 126.67, यहां पर आएगा 130। यहां पर सॉल्व करें तो 31 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30 अमाउंट विल बी 103.33। 32 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30 अमाउंट विल बी 106.67। 34 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30 अमाउंट विल बी 113.33 और यहां पर आएगा 120। टोटल करेंगे यहां पर 300 आएगा, यहां का टोटल करें 102.78 प्लस 120 प्लस 103.33 अमाउंट विल बी 326.11। 2013 का टोटल करेंगे 105 प्लस 126.67 प्लस 106.67 इक्वल्स टू 338.34। यहां पर टोटल करेंगे 105.56 प्लस 126.67 प्लस 113.33 अमाउंट विल बी 345.56। 108.33 प्लस 130 प्लस 120 अमाउंट विल बी 358.33। स्टूडेंट्स हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए बोला है जिसका मतलब है टोटल डिवाइड बाय 3। हम 3 क्यों करते हैं, यहां पर हमें नंबर ऑफ थिंग्स 3 देकर रखी है तो 3 करना है, नंबर ऑफ थिंग्स 4 है तो डिवाइड बाय 4 करना है टोटल को। अगर थिंग्स 5 देके रखी है तो टोटल को 5 से डिवाइड करना है, अगर थिंग्स 6 देके रखी है तो टोटल को 6 से डिवाइड करना है। तो यहां पर थिंग्स 3 देके रखी है इसलिए टोटल को 3 से डिवाइड करना है तो 300 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 100। 326.11 डिवाइड बाय 3 तो 326.11 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 108.70। 338.34 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 112.78। 345.56 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू तो 345.56 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 115.19। नेक्स्ट 358.33 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 119.44। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स चेन बीज मेथड। अब इसी सम को सेम सम को हम चेन बीज मेथड में सॉल्व करेंगे। तो यहां पर वीट में 2011 करंट ईयर होगा 18, प्रीसीडिंग ईयर दिया नहीं है इसलिए 18 ही ले लेंगे इनटू 100 मिलेगा। नेक्स्ट करंट ईयर का प्राइस है 18.50
प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस रहेगा 18 इंटू 100, करंट ईयर का प्राइस रहेगा 18.90, प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस रहेगा 18.50 इंटू 100, करंट ईयर का प्राइस रहेगा 19, प्रीसीडिंग ईयर का रहेगा 18.90 इंटू 100, करंट ईयर का प्राइस रहेगा 19.50, प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस रहेगा 19 इंटू 100। तो स्टूडेंट्स आप लोग वर्टिकली करते थे, इसे आपको हॉरिजॉन्टली जाने देना है। प्राइस में करंट ईयर का 30, प्रीसीडिंग ईयर दिया नहीं है इसलिए 30 ही एज्यूम करेंगे इंटू 100 इक्वल्स टू 100। करंट ईयर का प्राइस 36, प्रीसीडिंग ईयर का 30 इंटू 100, करंट ईयर का 38, प्रीसीडिंग ईयर का 36 इंटू 100, करंट ईयर का 38, प्रीसीडिंग ईयर का 38 इंटू 100, करंट ईयर का 39, प्रीसीडिंग ईयर का 38 प्राइस इंटू 100। अब करेंगे सुपर के लिए, करंट ईयर का प्राइस 30, प्रीसीडिंग ईयर का दिया नहीं है इसलिए प्रीसीडिंग ईयर का भी 30 प्राइस एज्यूम कर लेंगे इंटू 100 इक्वल्स टू 100। करंट ईयर का प्राइस 31, प्रीसीडिंग ईयर का 30 इंटू 100, करंट ईयर का प्राइस 32, प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस 31 इंटू 100, करंट ईयर का प्राइस 34, प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस 32 इंटू 100, करंट ईयर का प्राइस 36, प्रीसीडिंग ईयर का 34 इंटू 100। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करेंगे, यहां पर 18.50 डिवाइड बाय 18 इंटू 100 प्राइस आएगा 102.78। इस वाले कॉलम में यहां का सेम रहेगा क्योंकि डिवाइड में और न्यूमरेटर में सेम वैल्यूज है, यहां पर डिफरेंट आएगा। 18.90 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18.50 अमाउंट विल बी 102.16। 19 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18.90 अमाउंट विल बी 100.53। 19.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 19 अमाउंट विल बी 102.63। यहां पर सॉल्व करें, 38 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 36 अमाउंट विल बी 105.56। यहां पर 100 आएगी, 39 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 38 अमाउंट विल बी 102.63। यहां पर 32 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 31 अमाउंट विल बी 103.23। 34 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 32 अमाउंट विल बी 106.25। 36 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 34 अमाउंट विल बी 105.88। टोटल करेंगे स्टूडेंट्स 300, यहां पर भी टोटल सेम आएगा 326.11। यहां का टोटल करेंगे 102.16 प्लस 105.56 प्लस 103.23 इक्वल्स टू 310.95। 100.53 प्लस 100 प्लस 106.25 इक्वल्स टू 306.78। 102.63 प्लस 102.63 प्लस 105.88 इक्वल्स टू 311.14। जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, टोटल डिवाइड बाय 3 अमाउंट विल बी 100, 326.11 डिवाइड बाय 3 अमाउंट विल बी 108.70, 310.95 डिवाइड बाय 3
310.95 divided by 3 amount will be 103.65. 306.78 divided by 3 equals to 102.26. 311.14 divided by 3 amount will be 103.71. इसी के साथ स्टूडेंट्स सम नंबर 3 इज कंप्लीटेड. अब करेंगे नेक्स्ट सम. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम. बट बिफोर द नेक्स्ट सम वी अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर द सम नंबर 4. सम नंबर 4 में फिक्स बेस मेथड से हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. ये फॉर्मूला तब लागू होगा फिक्स बेस मेथड में मींस एफबीआई में जब मोर देन वन आइटम्स दी होंगी. तो फॉर्मूला होगा जनरल इंडेक्स नंबर में सिग्मा P1 upon P0 upon N multiplied by 100, where P1 upon P0 equals to over price relative. N equals to number of things. आप यहाँ पर देखोगे नंबर ऑफ थिंग्स है 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पर नंबर ऑफ थिंग्स 5 है. सॉल्व करेंगे सम नंबर 4. तो हमें प्राइस रिलेटिव फाइंड करना है और उसका टोटल सिग्मा मींस होता है टोटल. तो P1 अपॉन P0 फाइंड करें 3.5 डिवाइड बाय 3. यहाँ पर दिया हुआ है कि प्राइस इन 2012 को बेस लेना है और P1 करंट ईयर का प्राइस होगा. तो 3.5 P1 और 3 बेस ईयर का प्राइस. सेम वे करंट ईयर का प्राइस 370 और बेस ईयर का 345. P1 1.50 P0 1.00 P1 20 P0 15 P1 15 P0 12. फाइंड करेंगे कैलकुलेट करेंगे 3.5 डिवाइड बाय 3. वैल्यू विल बी 1.70. 370 डिवाइड बाय 345 वैल्यू विल बी 1.07. यहां पर 1.50 मिलेगी. 1 से डिवाइड करना है इसलिए 20 डिवाइड बाय 15 वैल्यू विल बी 1.33. 15 डिवाइड बाय 12 1.25. इसका टोटल करेंगे तो वो मिलेगा मैं सिग्मा P1 अपॉन P0 इक्वल्स टू टोटल करंट 1.17 प्लस 1.07 प्लस 1.50 प्लस 1.33 प्लस 1.25 इक्वल्स टू 6.32. जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे. इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन P0 डिवाइड बाय N इनटू 100. सिग्मा P1 अपॉन P0 की वैल्यू रखेंगे 632 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स 5 इनटू 100. तो 6.32 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5 अमाउंट विल बी 126.4. स्टूडेंट्स यहां पर पूछा भी गया है कि ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम्स. तो हम लिखेंगे जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख देंगे. अब लिखेंगे द ओवरऑल इंक्रीज इन फ्यूल आइटम्स इक्वल्स टू जो हमारा इंडेक्स नंबर फाइंड हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे 100. मींस जो ओवरऑल इंक्रीज होगा वो होगा 26.4%. यानी कि 2012 के कंपैरिजन में 2014 में 26.4% का इंक्रीज हुआ.
इसी के साथ हमारा सम कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सम के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स.